इस वक्त देश और दुनिया में जिस तरह के हालात हैं, खासतौर से युद्ध की बात करें रूस यूक्रेन और तमाम जगहों पर, ऐसे में डीआरडीओ और भारतीय सेना इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा मौका है जब रिकॉर्ड 2 साल के अंदर एक लाइट टैंक बनकर तैयार हुआ है, उसके ट्रायल होने जा रहे हैं। हमारे साथ डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर कामत हैं। आपसे जानना चाहूंगा सर, कितना बड़े मौके के तौर पर इसको आप देखते हैं, क्योंकि एक रिकॉर्ड टाइम पर एक लाइट टैंक हम देख रहे हैं। नहीं, इस चीज़ की हमारे आर्मी को बहुत ज़रूरत है, इसलिए डीआरडीओ और एलएनटी ने मिलके ये टैंक जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी एक सिनर्जिस्टिक काम करके बनाया है। ये 2-2.5 साल में पूरा डिज़ाइन और डेवलपमेंट इस टैंक का कंप्लीट किया है और हमें उम्मीद है कि अगले 6 महीने में हम लोग डेवलपमेंट ट्रायल्स भी कंप्लीट करेंगे और फिर यूज़र को यूज़र इवैल्यूएशन के लिए देंगे। क्या चैलेंजेस रहे हैं और क्या, जैसे हमने देखा कि जो लद्दाख के बाद इस तरह के टैंक की हमें ज़रूरत पड़ी, जो इंसिडेंट हुआ, रूस यूक्रेन से भी हमने लेसन्स लिए हैं, तो किन किन चीज़ों को ध्यान में रखा गया, क्या चैलेंजेस थे? तो आर्मी से हम लोग ने डिस्कस किया उनके क्या रिक्वायरमेंट्स रहेंगे, वेट ऑफ द टैंक कितना होना चाहिए, वो बहुत क्रिटिकल है बिकॉज उनको ट्रांसपोर्ट करना है हाई एल्टीट्यूड में तो टैंक को एयरलिफ्ट करने की ज़रूरत होती है, तो उसका वेट इसीलिए 25 टन के नीचे रखा गया है। फिर उनको जो भी कैपेबिलिटीज चाहिए हाई एल्टीट्यूड में लड़ने के लिए उसका ध्यान दिया गया है और जो भी फीचर्स उनको चाहिए इस टैंक में है। और कब तक हम इसके आगे फील्ड ट्रायल देखेंगे और पूरी तरह से सेना में कब तक शामिल हो पाएगा? ये देखिए, यूज़र ट्रायल्स यूजुअली समर ट्रायल्स रहते हैं, फिर विंटर ट्रायल्स रहते हैं, फिर हाई एल्टीट्यूड ट्रायल्स भी रहेंगे, फिर मेंटेनेंस ट्रायल्स रहते हैं, DGQA ट्रायल्स रहते हैं, तो ये 1-1.5 साल तो चलेंगे। उसके बाद फिर एक्विजिशन प्रोसेस शुरू होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि 2-2.5 साल में ये फर्स्ट प्रोडक्शन मॉडल रेडी रहेगा इंडक्शन के लिए। सो 2027 में पहला टैंक इंडक्ट हो सकता है। एक आखिरी सवाल सर, हम जो आत्मनिर्भरता की बात करते हैं कि हमारी जो स्वदेशी इंडस्ट्री है वो भी उस लिहाज से कितना बड़ा कदम इसको आप मानते हैं? मैं सोचता हूं कि ये बहुत बड़ा कदम है। अर्जुन के बाद ये पहली आर्मर्ड व्हीकल है जो देश में बनी है, ट्रैक्ट व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म डीआरडीओ ने बनाई है टाटाज के साथ और महिंद्राज के साथ, बट ट्रैक्ट व्हीकल अर्जुन के बाद ये पहली ट्रैक्ट व्हीकल है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही बड़ा कदम है क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट भी बहुत है सर्विसेज में, तो आज मैं बहुत ही खुश हूँ कि ये डेवलपमेंट आज आपने भी देखा होगा जब टैंक चल रही थी, आपको भी अच्छा लगा होगा, मुझे तो बहुत खुशी हुई आज यहाँ। बहुत धन्यवाद डॉक्टर समीर वी कामत, डीआरडीओ के चेयरमैन। उनका कहना है कि एक रिकॉर्ड टाइम पर डीआरडीओ और एलएनटी ने ये सपना साकार किया है लाइट टैंक का और आने वाले दिनों में 2027 तक ये पूरी तरह से भारतीय सेना को मिल पाएगा। कैमरामैन इल जायसवाल के साथ मजीत नेगी।